राम कुंड पर शाही स्नान किया है। शाही स्नान उसको कहते हैं। शाही स्नान कोई साधु संत, कोई वैरागी, कोई मंडलेश्वर, कोई जगद्गुरु वो नहीं करते हैं। वो हम लोगों को जो इष्ट देव हैं वो करते हैं, उनको हम स्नान कर उन ले आते हैं, इसलिए उसको शाही स्नान कहा जाता है, शाही मार्ग बनाया जाता है। और हम लोग कंधे पर उनको ले जाकर, कोई कोई डोली में ले जाता है, कोई कंधे ले जाता है, कोई रथ पर ले जाता है, अलग अलग सबकी परंपरा है। उनको स्नान कराने के बाद उनका पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, उनको फिर स्थापित करते हैं और फिर साथ रूप में हम लोग संतों का स्नान करते हैं। बहुत अच्छा है। इलाहाबाद में जैसे धक्का मुक्की हुई थी शाही स्नान पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे वॉलंटियर है, पुलिस का अरेंजमेंट है, बहुत शांति से शाही स्नान यहाँ पे हुआ है। हम बार बार यहाँ आना चाहेंगे।